हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मेरी ट्रिप का फर्स्ट डे है। आज मैं पहले जा रहा हूँ ओमकारेश्वर। जैसा मैंने मेरी पिछली शॉर्ट वीडियो में ये कुछ स्पॉट्स दिखाए थे कि यहाँ यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो ये मेरी कुछ स्पॉट्स है जो मैंने डिसाइड करे हुए। उसके आसपास जो भी कुछ और चीज़ें मिलेंगे मैं वो भी एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ पे भी जाऊँगा। मैंने वैसे 10 to 15 days का तैयारी करके मैं निकल रहा हूँ कि इतने दिन मुझे ट्रैवल करना है। और यहाँ पे मेरी बैग वैग पैक हो चुकी है ये, और मैंने कल टिकट बुक कर लिया था। आज मुझे ओमकारेश्वर जाना है, तो उसके लिए पहले मुझे जाना होगा खंडवा के लिए। बट खंडवा का टिकट मैंने कल वेटिंग लिस्ट में बुक किया था, तत्काल में बुक किया था एक्चुअली, और वो कंफर्म नहीं हो पाया। रात को मुझे मैसेज आया गया कि टिकट मेरा कैंसिल हो चुका है। तो अभी जो भी है मैं जाऊँगा स्टेशन पर और वहाँ पर जाके ही मैं देखूँगा कि क्या करना है। तो वहाँ से मैं वेटिंग लिस्ट का टिकट लेके फिर निकल जाऊँगा। मेरे पास सीट तो नहीं होगी, बट ठीक है, देखते हैं। अभी जैसा मुझे सिर्फ पहुँचना है वहाँ पर तो निकलेंगे। तो अभी मैं स्टेशन पे आ गया हूँ और ये जनरल का टिकट लिया है मैंने खंडवा का। एंड अभी 11:20 को ट्रेन है मेरी, तो अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, अभी एक और घंटा है मेरे पास। तो यार मैं फाइनली अभी खंडवा पहुँच चुका हूँ। मैं नासिक से निकला था और 5:30 बजे पहुँचने वाली थी ट्रेन, बट जल्दी पहुँच गई, 4:55 पे ही पहुँच गई है। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मेरा पहले तो मेरा टिकट मैंने पहले टाइम पे बुक नहीं किया, दूसरा मैं जनरल में आया। और भाई सबसे बड़ी गलती हुई मेरी जनरल में, मैंने समोसा खा लिया, मेरे को इतना खतरनाक और अब पेट दर्द होने लग गया था बीच में। मैं मतलब बैठ तक नहीं पा रहा था, हालांकि बैठने की तो जगह थी नहीं, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट करके फिर उधर एक किसी का पेन का डब्बा था उसी पे बैठ लिया। अभी यहाँ से आगे मुझे जाना है अभी ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर यहाँ से अभी 60-65 किलोमीटर है, उसके लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ट्रेन लूँ या बस से ही जाऊँ, बट ये स्टेशन देख के लगता है कि मैं ट्रेन से जा सकता हूँ आराम से, इतना यहाँ पर भीड़ नहीं है। तो देखते हैं अभी जो भी डिसाइड होगा वो मैं अभी करता हूँ अपडेट। तो भाई अभी मैंने यहाँ पर इंक्वायरी की कि यहाँ से मैं ओमकारेश्वर कैसे जाऊँगा, तो उन्होंने बोला कि ट्रेन नहीं जाएगी, आपको बस से जाना पड़ेगा आगे। तो ठीक है यार, अभी वैसे भी मेरी हालत नहीं थी ट्रेन में जाने की, तो बस में चलते हैं। तो ऑटो वाले अंकल ने बताया कि यहाँ से ट्रेन नहीं जाती है ओमकारेश्वर, पिछले 5 साल से ट्रेन बंद है क्योंकि लाइन का काम चालू है इसलिए। तो अभी मैं बस में आया हूँ और ये बस मुझे छोड़ेगी ओमकारेश्वर। तो अभी फिर उधर जाके बाकी का देखेंगे, जो भी कुछ अपडेट रहेगा वो सब कुछ। तो भाई फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूँ यहाँ पे रूम पे। थोड़ा सा नीचे मतलब अलग सीन हो गया था, सीन नहीं मतलब एक्चुअली प्रिकॉशन कह सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लोगों को रूम नहीं देते। अभी मैं ओमकारेश्वर पहुंच चुका हूँ और अभी मैं धर्मशाला में रुका हूँ। 300 रुपये लगे मुझे यहाँ पे धर्मशाला के, और ये प्रॉब्लम यह है कि ये सिंगल लोगों को देती ही नहीं है। तो उन्होंने पहले बोला कि घर पे कॉल वगैरह कराओ, तो पापा से कॉल करके उनसे बात कराया, फिर उन्होंने पापा से बात करके फिर मुझे यहाँ पे रूम दिया है। तो अभी मैं रुक रहा हूँ, अभी 8 बजे, अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा बाहर जाऊँगा घूमने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत खा लूँगा और फिर सुबह मैं जाऊँगा मंदिर। तो अभी सीधा मिलेंगे हम लोग सुबह ही। तो अभी मैं बहुत वैसे भी थक चुका हूँ यार ट्रेन की वजह से सारा ट्रैवलिंग करके। तो अभी मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा, कुछ खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा और फिर सीधा मिलते हैं कल। नीचे जाऊँगा अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो फिर दिखाऊँगा, नहीं तो सीधा कल मिलेंगे। तो अगर वीडियो भी आता देख लिए तो उनको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे मैं बहुत घूमने वाला हूँ, जैसा मैंने मेरे पिछले शॉर्ट वीडियो में भी कहा था, मेरे अभी बहुत सारे स्पॉट्स डिसाइड है। आगे मैं भी 10-15 दिन तक ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मेरे सारी वीडियोज़ देख लो। चलते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में थोड़ा चेंज वेंज करता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से, फिर देखता हूँ किधर जाना है। तो मैं आ जाऊँ खाना खाने के लिए, और मैंने दाल तड़का ले लिया है और बहुत ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से अकेले के लिए। भाई इतना सारा मेरे से नहीं खाया जाएगा अभी, ये सारा पता नहीं मैं पैक करवा लूँगा इनसे। तो यार मैं खाना खा के अभी रूम में आ गया हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, नीचे मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं, ऊपर आ गया क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठ के 7 बजे मंदिर जाना है। मुझे नीचे एक दो लोग कह रहे थे कि सुबह जल्दी चले जाओ ताकि ज़्यादा भीड़ ना मिले। और अभी मुझे वीडियोस भी एडिट करनी है, तो अभी मैं वीडियोस एडिट करूँगा और फिर सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।